गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सबके। आई होप बढ़िया होंगे। जय श्री राम सभी को। स्वागत है सबका एक नए व्लॉग में। और लास्ट टाइम आपने व्लॉग में देखा होगा बाइक की हालत कुछ ख़राब हो गई थी टायर की, और आज भी बाइक चल रही है भगवान भरोसे। टायर चेंज ही करवाए क्योंकि देहरादून में काफ़ी हो रही थी बारिश। और फिलहाल मुझे जाना है यहीं फिलहाल में आया था आईटी पार्क साइड। यहाँ पे मुझे कुछ काम था और एक फॉर्म निकलवाना था, और उसके बाद आज फिर से जाना है ऋषिकेश। और बाइक चल रही है राम भरोसे, तो देखते हैं इसके टायर कब चेंज करवा पाए। तो अभी तो मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, तो टाइम मिला नहीं और काम भी ज़रूरी था। और बने रहना व्लॉग में। ये बढ़िया था भाई, अंकल ने बताया कि वो है यहाँ से नीचे। अब यहाँ से कहाँ जाना है, ये रहा जहाँ मुझे जाना था। तो काम निपटा के मिलता हूँ आपसे दोबारा। Two hours later. भाई तो हो गया अपना काम, निकलते हैं यहाँ से। भाई बाइक की सीट इतनी गर्म हो रही ना, बिल्कुल पॉपकॉर्न बन रहा पीछे। भाई देहरादून हो रही थी काफ़ी बारिश 3-4 दिनों से, तो टायर भी चेंज नहीं करवा पाया। तो अभी जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश, और आज तो स्कूटी भी नहीं है साथ में, तो जाना पड़ेगा इसी में। देखते हैं कहाँ तक साथ देती है। बाइक चल रही है बिल्कुल राम भरोसे, तो चलते हैं यहाँ से ऋषिकेश। बैग अपना तैयार है। पहले इसमें डलवाते हैं पेट्रोल, काफ़ी टाइम से लो फ्यूल लेवल दिखा रहा है, तो पहले इसमें फ्यूलिंग कर लेते हैं। इसमें कितना भी पेट्रोल दिखा दो, ये हमेशा लो फ्यूल लेवल दिखाती है। या तो इसके मीटर में प्रॉब्लम है या पेट्रोल कम आ रहा है। तो अब चलते हैं ऋषिकेश एक बार टायर की कंडीशन देख लेते हैं कैसी है। स्टिल वही कटिंग फटिंग। ये देखो भाई, आराम आराम से चलते हैं। मैं इसको 50 से ऊपर लेके नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा लेट पहुँचूँगा पर कोई नहीं, सेफ पहुँचूँगा। और ये टायर सिर्फ आज ही आज चलाएंगे, उसके बाद इसको श्योरली इसको चेंज कर देंगे। अभी ज़्यादा चलने भी नहीं वाले, ये फिर अपने के लिए उल्टा रिस्क बन जाएंगे और कुछ नहीं। चलते हैं यहाँ से। फिर से वहीं पर
जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं लास्ट वाली टाइम गया था, क्योंकि काम भी उसी जगह पे है, लक्ष्मण झूला साइड। तो यहाँ अभी फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ नटराज चौक पे। यहाँ से निकलना है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट। भाई जब लास्ट टाइम आए थे तो कावड़ की कितनी भीड़ थी, और क्योंकि कावड़ यात्रा भी थी उस टाइम, तो अब कावड़ यात्रा पूरी हो चुकी है तो भीड़ भी थोड़ा कम है, ट्रैफिक भी थोड़ा कम है, और थोड़ा सुनसान सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है संडे है और यहाँ मार्केट क्यों बंद है आज। भाई मुझे जाना है यहाँ से आदर्श नगर, वहाँ पे कुछ काम है तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। थोड़ा आगे आ गया था मैं, भाई तो यहाँ से अपनी लोकेशन है 1-1.5 किलोमीटर दूर, और मुझे लग रहा है ऋषिकेश का मार्केट बंद है, शायद सारी दुकानें बंद लग रही हैं यहाँ पे। तो पहुँचते हैं अपनी लोकेशन। कूड़े की इतनी गंदी बदबू ना भयंकर कि मेरे नाक के बाल जल गए सारे। भाई तो पहुंच गया अपनी लोकेशन पे, ये रहा ओलिवर यूनिसेक्स सलून। Two thousand years later. भाई तो निपट गया अपना काम, अब चलते हैं सीधे देहरादून। भाई तो मैं आगे थोड़ा लंबा रास्ते ये रेलवे स्टेशन की साइड से, और यहाँ से सीधा जाएंगे नटराज चौक पे। हाँ जी, तो क्या हाल है? तो मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश से देहरादून, और जस्ट अभी क्लिनिक में पहुंचा, और मुझसे पहले ये भतीजा यहाँ पहुंच चुका है। क्या भाई, दांत में कीड़ा है? कीड़े में दांत है इसके अंदर, पता नहीं कहाँ का कीड़ा है। अब हो गई अब दिलबाग रजनीगंधा पता नहीं क्या क्या फंसा हुआ। डॉक्टर साहब, तो इसके दांतों में लगे क्या कहते हैं? पाइल्स। क्या पाइल्स? पाइल्स तो है, देख लिया लापरवाही का नतीजा। तो भाई ये तोप लग गई है इसके ब्रह्मांड में। अब ये भेजा सीधा यहाँ से बाहर निकलेगा, इसका भेजा फ्राई होगा। और मैं लूंगा इसका एक शॉट यहाँ पे से, इसका होगा भी भेजा फ्राई। नाक बहुत लंबी है ना, दांत तो इसकी नाक हेलमेट से बाहर आती है। इसकी हड्डी जो है ना, ये एक्सरे में भी दिक्कत कर रही है आगे वाले। आज नहीं बोल पाएगा कुछ, बहुत बोलते है ना ये आगे वाले, कमर बोल रही कटोरा वाली। चलो ये हाथ में क्या पकड़ रखा है तूने? भाई बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, ये ऐसे ठीक नहीं होगी। क्यों डरा अस्पताल ही, क्यों डरता है? इसके लिए 4-5 टेस्ट और कराने पड़ेंगे तुझे। परफेक्ट शॉट, जबा 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 कुटर कुटर अंडा अंडा। भाई तो सब मिलके दुआ करना कमेंट में किसके दांत जल्दी ठीक हो जाए। अभी तो शांत बैठा हूँ बिल्कुल, बीम मिलने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं कहाँ हूँ? तू बेटा, तू बेटा सब्जी के ट्रक में है। चल कोई नहीं, भाई जल्दी ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। हवा में भाई मत खाया करें फालतू की चीज़ें। तो भाई करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।